कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ TV चैनल पर। दर्शकों, भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक भक्तामर हीलिंग का 48 दिवसीय विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी जुड़ते हैं भक्तामर हीलिंग से। ओंकार ध्वनि निकालें। ओ कमर में और भी जगह जहां भी स्पर्श करें। चलिए अब अपनी आसन लगा के बैठ जाएं। झम 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 झम, आंखें बंद, नेत्र बंद, कमर सीधी, झम 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 झा 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 छम 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 chim 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 chum 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 chum। मेरे दांत स्वस्थ हैं, मेरी जिब्बा स्वस्थ है, मेरी गला स्वस्थ है, मेरा गला स्वस्थ है, मेरा हृदय ठीक है, मेरा हृदय स्वस्थ है,
मेरी लीवर स्वस्थ है, मेरी किडनी स्वस्थ है, मेरा पेट स्वस्थ है, मेरा पेट ठीक है, स्वस्थ है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, ठीक है, ठीक है, कमर ठीक है, मेरी कमर में दर्द नहीं है, नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, पीठ भी ठीक है, मेरे हाथ ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, कंधे ठीक हैं, मेरे कंधे ठीक हैं, मेरे कंधे ठीक हैं, मेरे कोहनी ठीक हैं, मेरे हाथ के पंजे ठीक हैं, हाथ की हथेली ठीक हैं, हाथ की हथेली ठीक हैं, मेरे प्यारे बंधु, यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी। किसी कवि ने इस तन को विष की बेलरी कहा है, यानी ये विष को ही उगलने वाली है। शरीर का लाख भी उपकार किया जाता है, तब भी वह उपकारक का उपकार नहीं कर पाता। दुनिया में देखा जाता है कि उपकारक का उपकार सब करते हैं, लेकिन यह शरीर तुम्हारा उपकार नहीं कर पाता। इस शरीर के लिए जितना भी खिलाया जाता है, जितना भी पिलाया जाता है, ये सब ग्रहण करने के बाद भी हमेशा स्वस्थ नहीं रहता, हमेशा ठीक काम नहीं करता। कभी ऐसा भी होता है कि मना कर देता कि मुझे कोई काम नहीं करना है, आज मुझे कोई काम नहीं करना है, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, ये मना कर देता है। और इसकी बात भी तुम्हें मानना पड़ती है, मान भी लेते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं करना कोई बात नहीं, कर लो आज तुम आराम कर लो, इस शरीर को आराम दे देते हैं। आश्चर्य है कि शरीर की सारी बात तुमने आज तक मानी। शरीर ने कहा कि आराम करना है, तुमने कह दिया आराम कर लो। शरीर ने कहा भोजन चाहिए, तुमने कहा भोजन कर लो। शरीर ने कहा कहीं घूमने जाना है, बाहर ठंडी हवा लेना है, तुमने चलो ठंडी हवा ले लो। शरीर के लिए तुमने सारे साधन जुटाए, इंद्रियों के लिए सारे साधन जुटाए। जिब्बा ने कहा आज तो वो खाना है दाल बाटी चूरमा के लड्डू, तो वो मिल गए। उसने कहा वो चमचम खाना सफेद वाले रसगुल्ले, क्या बोलते हैं, स्पंज रस, छेना कहें, कितने नाम हैं, वो दे दिया। तुमने कहा आज काले वाले खाना है, एक काले वाले खा लो। जो स्वाद मांगा वह स्वाद दिया गया, जो स्पर्श मांगा वह स्पर्श दिया गया, जो सुगंध मांगी गई वैसी सुगंध दी गई। आजकल तो लोग स्प्रे आने लगे, स्प्रे ऐसे लगाया, आह क्या सुगंध आ रही है। छोटे छोटे बच्चे तक आजकल इस प्रकार के स्प्रे लगाने लगे। बच्चों की गलती नहीं है, जब माँ बाप करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, संस्कार तो बच्चे माँ बाप से ही लेते हैं। माँ बाप लगाएंगे तो बच्चे तो लगाएंगे। स्प्रे लगा लिया, आह अब खुशबू आती रही तुम्हें।
ये नहीं पता कि वह खुशबू कितने को पीड़ा दे करके आ रही है। हम लोगों का चातुर्मास लखनऊ हुआ था, पास में ही है कन्नौज। कन्नौज में इत्र बनते हैं और इत्र वाले आते जाते रहते हैं। कैसे इत्र बनता है, कैसे फूलों को, क्या प्रोसेस उसकी सड़ाई जाता है, क्या किया जाता है, तब वह इत्र जाके बनता है। ओ लगाया खुशबू, आह आनंद आ रहा है। चक्षु इंद्रिय का विषय अच्छा देखना, घर में अच्छा कारपेट हो, अच्छा सब सिस्टम हो और दूसरों को दिखाना कि अच्छा है, ये अच्छा है। बाजार से कपड़े लेने जाते तो एक डिजाइन, दो डिजाइन, चार डिजाइन, ये अच्छी लगेगी, ये लगेगी, ये लगेगी, ये लगेगी। ऐसे पांचों इंद्रिय के विषय इसको दिए गए हैं। इंद्रियों की पूरी सेवा की गई, शरीर की पूरी सेवा की गई, पूरा रखरखाव किया गया, पूरा बचाव किया गया, क्या चाहिए सब दिया गया। बच्चीलाल जी, चलो इस शरीर से तुमने कम से कम समय शिखर की वंदना तो कर ली, खुशी है इस बात की। अभी बूढ़े तो नहीं हुए, जवानों के बूढ़े ये बताओ। बड़ी दबी दबी आवाज में निकल रही, महाराज अपनी नौकर को कोई बुरा नहीं कहता है, अपने दुकान के स्टाफ की, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदार की, अपने नातेदार की, सबकी बड़ाई की जाती, बुराई नहीं की जाती है, सबकी प्रशंसा की जाती है, किसी की निंदा नहीं की जाती है। ये शरीर भी तुमने अपना मान रखा है कि मेरा है, अब जिसको अपना मान रखा उसकी बुराई कैसे करो। कितना भी खराब हो जाए, जर्जर हो जाए, तब भी तुमको नहीं नहीं एक 65 साल के व्यक्ति थे, उनसे किसी ने, एक कोई महिला थी, उन्होंने कहा अंकल जी आप थोड़े खिसको तो हमको भी दे लेने दो। अब उसको देखने लगे, मैंने कि क्या हो गया, बोले मैं अंकल जी दिखता हूँ तुम्हें। 65 साल की उम्र और 25-30 साल की महिला होगी, नई बहू होगी, वो कह रही थी कि वो मैं अंकल जी दिख रहा हूँ तुम्हें। यानी तुम कितना प्रेम करते हो शरीर से, शरीर से कितना प्रेम करते हो, तो किसी शरीर ने देख करके किसी ने कुछ बोल दिया शरीर के लिए तो तुम्हें हाल बुरा लग जाता है। शरीर के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए किसी ने कुछ बोल दिया तुम्हें बुरा लग जाता है। तुम्हारे लिए कोई कुछ भी बोल दे तुम्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन शरीर के लिए बोल दे तो बुरा लग जाता है। ओहो, यानी तुमने शरीर के लिए कितना अपना हितेशी मान रखा है। बूढ़ा हो गया है तब भी, हमारे नाना जी बैठे देखो, ये कहते हैं महाराज कैसी बात करते, भी तो मैं जवान हूं, अपने आप को बूढ़ा मानते ही नहीं। आश्चर्य है कि आज की दुनिया में लोग अपने आप को बूढ़ा नहीं मानना चाहते। 80 साल की उम्र हो जाती तब भी कहते नहीं अभी तो मैं जवान हूं। क्यों? वे शरीर की बुराई नहीं चाहते हैं। आत्मा का हित हो अहित हो कोई मतलब नहीं है। इस शरीर की निंदा कोई कर दे तो बस हो
एक बार घटना मेरे साथ घटी थी, आज से बहुत साल पुरानी बात है, जब 30 साल लगभग पुरानी बात होगी। जब मैं घर में था तो दुकान पर बैठता था, सुबह सुबह दुकान खोल रहा था अपनी, तो एक स्टूल था, पड़ोसी ने ले लिया था, कुछ सामान उठा के रखने के लिए। हमने देखा, दिखा नहीं, तो पड़ोसी दुकान पर रखा था, तो ग्राहक उनके यहाँ थे, तो एक महिला बैठी थी। तुम्हें अब काम करना था, तो मैंने कहा अम्मा जी उठना, थोड़ा सा स्टूल देना। अब वो थी नई बहू, मैंने बोल दिया अम्मा जी उठना। अब चेहरा दूसरी तरफ था, मैंने तो देखा नहीं था, मैंने कह दिया अम्मा जी उठना। अब उठ तो गई वो, मैंने देखा उसे चेहरा मुड़ के देखा, तो मैंने कहा आज तो गड़बड़ हो गई आज। मैं आया और स्टूल रख करके स्टाफ से बोल गया मैं जा रहा हूँ, तुम देखना, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे में कभी तवा गर्म हो सकता है, और तवा गर्म हो जाए फिर मुश्किल होता है, बात बहुत बिगड़ जाती है। तो मैं तो रख के चला गया, बाद में पता चला कि उस महिला ने कहा कि ये लड़का कौन था जो मुझे अम्मा जी बोल रहा था, मैं अम्मा जी दिखती हूँ क्या? पड़ोसी भी समझदार था, उसने भी टाल दिया कि बात कोई बात नहीं, वो तो वैसे ही पड़ोस का लड़का है, वो आ गया था, चला गया वहाँ। लेकिन उसने जितनी देर भी वहाँ रही उसको मन शांत नहीं रहा। आश्चर्य, लोग शरीर के प्रति कितने ममत्व से ग्रसित हैं। हम हैंडसम दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, और बस अगर मेरे शरीर की कोई प्रशंसा कर दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और शरीर की कोई निंदा कर दे तो बुरा लगता है। एक बार एक बहन जी बाजार से साड़ी खरीद के लेके आई, 5,000 रुपये की साड़ी, कितने की, और बढ़िया साड़ी, 5,000 रुपये की साड़ी खरीद के लेके आई, और उस साड़ी को विशेष फंक्शन में उस दिन उन्होंने पहना, कोई पार्टी थी बड़ी। अब साड़ी पहन के गई, वो बस बड़ा बन ठन के, अब देखा लोग कहेंगे कि साड़ी बढ़िया है, साड़ी बढ़िया। कितने लोग थे, एक सैकड़ों लोग थे उस पार्टी में, किसी ने उस साड़ी की प्रशंसा नहीं की। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिधि में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हो रहे भक्तामय हीलिंग की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, अभी समय है आपसे विदा लेने का, कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।